क्रिकेट की दुनिया में कई टर्म इस्तेमाल होते हैं और क्रिकेट की दुनिया में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अजीबोगरीब देखने में लगती हैं। ज्यादातर जो कोच होते हैं वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि बेसिक्स पर ध्यान दिया जाए। ये बेसिक्स सिर्फ गेंदबाजी या बल्लेबाजी की नहीं होते, फील्डिंग करते वक्त भी कुछ बेसिक रूल्स का पालन करना जरूरी होता है। जैसे कैच लेते वक्त बॉल पर से नजर न हटाना, बाउंड्री पर गेंद रोकते वक्त पैरों में गैप न रखना, अलग अलग चीजें। रूल्स होते तो बहुत हैं, लेकिन इनका कड़ाई से पालन करना शायद ही कोई करता है। ऐसा ही एक प्रैक्टिस ये भी है कि ऊंचा उठा कोई कैच लेने अगर दो फील्डर पहुंचे हैं तो किसी एक खिलाड़ी को चिल्लाकर बताना चाहिए कि वो कैच उसका है। ऐसा ही कुछ आईपीएल के तीसरे मैच में देखने को मिला। दरअसल आईपीएल में 8 अप्रैल 2018 को हुए मैच में आरसीबी की तरफ से ऐसा ही चीज देखने को मिली, जिससे तमाम नए खिलाड़ियों को सबक लेना चाहिए। केकेआर का आरसीबी से मैच हो रहा था। 18वें ओवर की चौथी गेंद आंद्रे रसेल ने करारा शॉट खेला, गेंद ऊंची खड़ी हुई। लॉन्ग ऑन पर खड़े एबी डिविलियर्स और लॉन्ग ऑफ पर खड़े मैकुलम उनकी तरफ दौड़े। ऐसे वक्त में जब गेंद आसमान में हो और दोनों खिलाड़ी उसकी तरफ नजर जमाए भाग रहे हों, टक्कर होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोनों खिलाड़ी काफी एक्सपीरियंस थे। उन्होंने जबरदस्त तालमेल का नजारा दिखाया। जब हवा में गेंद थी तो डिविलियर्स ने एक हाथ हवा में उठाकर स्पष्ट कर दिया कि ये कैच उनका है। उधर मैकुलम भी स्पीड से आए थे, रुकना मुश्किल था। टक्कर टालने के लिए वो जमीन पर लोट लगा गए, डिविलियर्स के रास्ते से हट गए। डिविलियर्स ने आराम से कैच कंप्लीट कर लिया और आंद्रे रसेल को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट।